मैं दानियल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जावा की और कॉटलिन की। जब हम एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जावा प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। हम एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग जो है C#, C++ से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो थी वो जावा थी। लेकिन अब जो 2017 में गूगल ने कॉटलिन को जो है अनाउंस कर दिया ऑफिशियल लैंग्वेज एज एंड्रॉयड डेवलपमेंट के, अब यहाँ पे ये आता है कि जावा सीखनी चाहिए या कॉटलिन सीखनी चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप जावा सीख रहे हैं या प्रोसेस में थे तो आप जावा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जावा और कॉटलिन दोनों लैंग्वेजेस आपस में इंटरचेंजेबल है। अगर आप कॉटलिन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जावा को भी लिख सकते हैं, बीच में कॉल करवा सकते हैं जावा की क्लास को, और जावा अगर लिख रहे हैं तो कॉटलिन को भी आप कॉल करवा सकते हैं। डिफरेंस ये आता है कि जब जावा चल रही थी तो कॉटलिन को उन्होंने क्यों अनाउंस किया। कॉटलिन ने तो बेसिकली जो बहुत इजी और रिड्यूस सिंटैक्स है, जिससे वो आगे फर्दर और इन्हांसमेंट करेंगे अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जावा बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो जाएगी, बस जावा को उन्होंने थोड़ा सा स्टेप बैक कर दिया थोड़ा सा। अगर आप जावा सीख रहे हैं तो सीखते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जावा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। टाइम लगेगा 5 साल 10 साल, जावा और स्टेप बैक हो जाएगी, जब तक के लिए कॉटलिन आप थोड़ी बहुत सीखते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावा और कॉटलिन दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, आप किसी में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो C#, ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन इसमें आप कोड लिख के एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोड बना सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर लाखों एप्लीकेशन पड़ी हैं जो जावा के ऊपर भी चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि जावा आज ही खत्म हो जाएगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियरेंस पता चल गया होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जावा आप सीख रहे हैं तो जावा सीखिए, अगर जावा की तरफ एक्सपर्टीज आ चुकी है तो आप कॉटलिन की तरफ थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, कॉटलिन सीखें, कॉटलिन भी आगे हेल्पफुल है आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इस तरह की रोज़ वीडियो बनाता रहता हूँ टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग के हवाले से।